You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Deepak Huda, a second year MBBS student in PGIMS Rohtak. You all know me, I hope. So this is the video specially for NEET aspirant. आपकी नीट की डेट अनाउंस हो गई है, दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि इतने दिन से आप प्रिपेयर कर रहे हो, टेंशन में हो लाइक क्या होगा क्या नहीं होगा. तो उसके लिए आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो कि अभी 2 महीने हैं लगभग, आज टुडे इज 13, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 13. तो अभी आपके पास 2 महीने हैं, यू जस्ट एज्यूम कि आपके पास 60 डेज हैं. लेकिन मैं जो ये वीडियो है इसमें आई विल टेल यू अबाउट लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी, लेकिन मैं उसमें ये नहीं बताऊंगा कि आप 60 डेज में कैसे कैसे करो कि इस दिन ये करना. आई विल नॉट टेल यू लाइक दैट. आई विल टेल यू कि जो लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब लास्ट के जो 3-4 होते हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपके पास 2 हैं तो आई विल टेल यू अबाउट दैट, क्योंकि इतना ज़्यादा यूट्यूब पे वो है, लेकिन दे आर नॉट दैट बेनिफिशियल आई थिंक सो. तो आई टेल यू अबाउट द 2 मंथ स्ट्रैटेजी. ओके, अभी तो जो मैंने अपने टाइम पे स्टार्ट किया था, तो हमारे जो आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने कोचिंग किया था, उधर ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज होती है. ओके, तो उधर हमारी 11th में 4 IITs होते थे और जो 12th थी उसमें 3 AIITs होते थे. टोटल कितने हुए? 7. तो 7 हर AIITs के सिलेबस को मैं 2 दिन देता था, तो लगभग 15 दिन में मेरा सिलेबस कम्प्लीट हो जाता था. लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लास्ट 2 मंथ है. और हरियाणा में तो अभी आने के लिए आपको ज़्यादा ही मार्क्स चाहिए, क्योंकि अगर PGI में अगर आपको आना है फ्रॉम यू एफ आर फ्रॉम ए जनरल कैटेगरी, तो आपको नियरली 630 के आसपास मार्क्स चाहिए. तो उतने तो आने ही चाहिए वैसे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट कि 15 दिन में मैंने सिलेबस कंप्लीट करना शुरू किया था. 15, 15, 15, तो मैं लगभग 4 बार तो सिलेबस कंप्लीट किया था अच्छे से. जितना आपके पास मटेरियल है, कोई नया मटेरियल उठाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो मटेरियल है वही सफिशियंट है. तो आपको कैसे करना चाहिए अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ. आपको डेली का एक फुल सिलेबस, कोई भी टेस्ट इंटरनेट से डाउनलोड करो, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, जो अनसोल्ड हो अगर आपको मिल जाए, सोल्ड भी हो तो कोई चलेगा वो भी. तो आपको डेली का एक फुल सिलेबस टेस्ट आपको सोल्व करना है, जितना हो पाए उतना करो. ये भी नहीं है कि आपने अरे मैं पहले पढ़ूंगा और उसके बाद ही दूंगा, नहीं, आपको टेस्ट जरूर देना. मान लिया आपने टॉपिक किया आज 5 चैप्टर बायो के कोई भी, लेकिन आप पेपर फुल सिलेबस वाला अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए ना फुल सिलेबस अटैम्प्ट करने में. अभी आप अगर पार्टीशंस में फ्रेगमेंट वाले जो पेपर होते हैं AIIT, मतलब जो भी टेस्ट होते हैं छोटे मोटे भी, अगर आप उनको देते हो तो आपकी आदत है कि आप स्मॉल सिलेबस वाले टेस्ट दे रहे हो. फुल सिलेबस का आप में ना तो कॉन्फिडेंस है ना ही आदत है, दोनों चीज़ लानी पड़ेंगी. हमारे टाइम पे लास्ट में हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो हमारी नोडल टेस्ट सीरीज, ऐसे नोडल नाम उसका नोडल था, उसमें हुए थे बहुत सारे फुल सिलेबस आपको टेस्ट डेली अटेम्प्ट करने हैं, जहाँ से भी मिल जाए, नेट से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कहीं से अपने सीनियर से ले लूँ, ठीक है. उसके बाद आपको दूसरा क्या करना है, आपको बायो सबसे ज़्यादा पढ़नी है. फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अभी ज़्यादा क्वेश्चन कर लो कि मैं ये मान सकता हूँ. इस महीने आप जैसे आपके पास 1 महीना है, आप उसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लो. फाइनल में जब लास्ट का महीना बच जाए उसमें आप थ्योरी भी रटो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करने ही है आपको, लेकिन उतना करना जितना आपने पहले किया हुआ है और जितना आप लास्ट में दोबारा कर पाओ, ठीक है. तो ये है कि आपको उतना करना है जितना आप कर सकते हो, इतना नहीं कि एक्स्ट्रा कर लिया. मैंने वो DC पांडे वाली बुक भी कर ली फिजिक्स की, और कौन सी आती है SC वर्मा, जो मैंने नहीं करी थी. अगर आपने वो भी करी है चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी इतना करो कि आपकी जो पहले मेहनत करी थी वही दोबारा काम आए. तो DC पांडे भी दोबारा करना है फिर, ठीक है, और SC वर्मा भी दोबारा करना है अगर पहले किया हुआ है. और नहीं किया हुआ है तो नई चीज़ मत उठाना, चाहे आपने कोई भी बुक नहीं करी है या आपने बस अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स करे हैं. ओके, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं आपको एक शॉर्ट में ये बता सकता हूँ. आपको ज़्यादा से ज़्यादा फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, आपको बायो बहुत ज़्यादा पढ़नी है, दिन के 4-5 चैप्टर आपको एटलीस्ट 4-5 चैप्टर करने हैं, जिन्हें NCERT ऐसी हो जाए आपकी फट जाए, ठीक है, मतलब NCERT. और उसके बाद आपको केमिस्ट्री का रहा, केमिस्ट्री हमारी पार्टीशन है फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में. ऑर्गेनिक की आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, नोट्स पढ़ो जो आपके पास हैं. दूसरा आप NCERT से भी करो ऑर्गेनिक,
इनऑर्गेनिक को. इनऑर्गेनिक है आप एनसीईआरटी से पूरा रट दो उसको, बिल्कुल जैसे बायो को पढ़ते हो ऐसे ही इनऑर्गेनिक को ऐसे रटो. ठीक है, उसके बाद रह गया फिजिकल. फिजिकल में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगा और उतना ज़्यादा हो जाएगा, तो केमिस्ट्री का इतना दिक्कत नहीं है. दूसरा रहेगा फिजिक्स का, अभी जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन करो, जो लास्ट का वन मंथ बच जाए उसमें अपने जितने ज़्यादा नोट्स रिवाइज कर सकते हो, साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चन कर पाओ तो करो. ठीक है, और जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उनको अच्छे से मार्क करो. ठीक है, दैट्स इट. आपको एक स्टैटिक फेज में रहते हुए बहुत टाइम हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा वो टेस्ट का या इतना ज़्यादा कोचिंग का आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आया है, तो अभी आपको एक एक्सपोनेंशियल फेज चाहिए. पूरा एकदम से ऐसे जाता है ना ग्राफ से दौड़ पर, पीक पे आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. और मैं कहता हूँ आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपको ऐसा ऑनेस्ट बताएगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं भी सबको ऑनेस्ट बताऊँगा, लेकिन इतना एटलीस्ट ये है कि ऐसे कुछ फॉलो नहीं हो पाता. मैं आपको बताऊं 6 बजे उठो, 9 बजे तक आप पढ़ो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ऐसे कभी फॉलो कभी ना तो हो पाया. खुद का टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा, दूसरा कैसे कर पाओगे आप. ठीक है, तो मैं तो आपको ऑनेस्टली इतना बता सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाओ, लास्ट पे से ज़्यादा नोट्स रिवाइज करो. बायो के लिए बुक आती है बायोलॉजी गियर अप, अगर आप इसको उसको 2-3 दिन पहले पढ़ जाओ तो आपके 80 क्वेश्चन तक लगभग मैं ये सोच सकता हूँ हो जाएंगे आराम से, अगर आपने अच्छे से किया हुआ है. एनसीईआरटी मत छोड़ना, दैट्स इट. ओके, और एनी हेल्प यू नीड फ्रॉम मी, या मैं आपकी कोई मदद एक तरीके से कर सकता हूँ नीट की प्रिपरेशन के लिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल. प्लीज़ कॉमेंट, आपको जो भी डाउट आए मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको जब भी मेरे को टाइम मिलेगा. ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपने जो कॉन्टेंट मेरे चैनल पर देखा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ about NEET preparation. I'll make a separate video if I'll have time. Okay, and yeah, you can feel free to contact me. There is nothing like that ki I'll not help. I will definitely wanna help if possible. And yeah, agar video pasand aaya hai to please subscribe to my channel. Okay, thank you. एंड टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन, मैं ये बताना भूल गया कि मेरी कितने मार्क्स आए थे, कितनी रैंक आई थी. सो आई वॉज अ फ्रेशर, मैंने 12th के साथ ही नीट क्रैक किया था. नीट 2019 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मैंने आकाश में कोचिंग किया था 2 साल के लिए, आकाश रोहतक में ही. और मेरे जो मार्क्स थे 650 आउट ऑफ 720 आए थे, 650, एंड उसमें भी 340 मेरे बायो में थे एंड 155 मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में थे. सो अच्छे से पढ़ाई करो, मोटिवेट रहो, वीडियोस देखो जो भी मोटिवेशन के आपको मिल पाए, तो अच्छे से प्रिपेयर करोगे. अभी लास्ट के 2 महीने है, इतना मेहनत किया है, अभी थोड़ा और कर लो यार. ठीक है, उसके बाद कॉलेज में आ जाओ. या वी विल बी वेटिंग फॉर यू. थैंक यू.